रेडियो खांची 90.4 एफएम पर प्रसारित किए जाने वाले विषय वस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुतकर्ता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्ञान एवं सकारात्मकता को आगे बढ़ाना। रेडियो खांची 90.4 एफएम हम सबका रेडियो पर आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ एसकेएल दास, आई एम अ फैकल्टी ऑफ CPPS इन रांची यूनिवर्सिटी। टुडे I am going to discuss compound interest. This is my fourth lecture. This lecture is beneficial for all the CPPS students and for all those students who are preparing for competitive exam. Students, ये हम लोगों का ट्रिक पर बेस्ड कंपाउंड इंटरेस्ट का फोर्थ सेशन है या फोर्थ क्लास है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जब इंस्टॉलमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे विद इन टाइम ट्रिक से सॉल्व करना है। एविडेंस कंपाउंड इंटरेस्ट में ट्रेडिशनल अप्रोच से अगर आप लगाते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन बहुत ही लेंदी बनता है, इसलिए हम लोग कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन को ट्रिक के हेल्प से बनाएंगे। तो इंस्टॉलमेंट रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा कुछ इस तरह का कि यदि किसी मूलधन पी को, यानी कि कोई प्रिंसिपल पी को उधार लेकर आर परसेंट की दर से, रेट है आपका आर परसेंट की दर से, एक्स रुपया की किस्तों में, यानी एक्स रुपीज का इंस्टॉलमेंट में एन वर्षों में चुकाना हो, एन ईयर में आपको ये करना हो, उसको चुकाना हो, तो मूलधन क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल निकालने के लिए फार्मूला होता है पी इक्वल टू एक्स बाय वन प्लस आर बाय हंड्रेड प्लस एक्स बाय वन प्लस आर बाय हंड्रेड का पावर टू प्लस एक्स बाय वन प्लस आर बाय हंड्रेड का पावर थ्री प्लस डॉट 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 एक्स बाय वन प्लस आर बाय हंड्रेड का पावर एन। तो स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए टू ईयर है तो पी का वैल्यू हो जाएगा एक्स बाय वन प्लस आर बाय हंड्रेड का पावर वन प्लस एक्स बाय वन प्लस आर बाय हंड्रेड का पावर टू, और अगर थ्री ईयर रहेगा तो इसमें और एक ऐड कर देंगे प्लस एक्स बाय वन प्लस आर बाय हंड्रेड का पावर थ्री, फोर ईयर रहेगा पावर फोर तक जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें ध्यान रखना है कि पी प्रिंसिपल है, एक्स आपका इंस्टॉलमेंट है, आर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और वन टू थ्री ईयर है। आइए इस क्वेश्चन को एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। एग्जांपल है चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से कोई धन उधार लेकर 2500 रुपया की तीन समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है तो वह धन ज्ञात कीजिए। बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर 10% पर एनम के रेट से, ठीक है, 2500 रुपया की तीन समान इंस्टॉलमेंट पर, इंस्टॉलमेंट क्या है 2500 का ईच इक्वल इंस्टॉलमेंट, 2500 का इक्वल इंस्टॉलमेंट पे उसको चुकाया जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि वह धन बताइए, है ना, प्रिंसिपल बताइए। तो सिंपल एविडेंस, थ्री ईयर है तो प्रिंसिपल पी इक्वल टू लिखेंगे 2500 बाय 1 प्लस आर बाय 100 यानी कि 10 बाय 100 का पावर 1 प्लस 2500 बाय 1 प्लस 10 बाय 100 का पावर 2 प्लस 2500 बाय 1 प्लस 10 बाय 100 का पावर 3। और जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, 2500 देखिए ऊपर तीनों में है तो इसको कॉमन ले लेंगे तो 2500 कॉमन हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा, 1 बाय 1 प्लस 10 बाय 100, इसमें 0 कैंसिल करेंगे तो उसके बाद आएगा 11 बाय 10। सेकेंड स्टेप में आएगा 0 कैंसिल करेंगे तो 11 बाय 10 का स्क्वायर, थर्ड स्टेप में आएगा 11 बाय 10 का क्यूब। और जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो 2500 10 बाय 11 प्लस रिवर्स हो जाएगा, 10 बाय 11 का स्क्वायर हो जाएगा और 10 बाय 11 का क्यूब हो जाएगा। फाइनली इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 2500 प्लस 10 बाय 11 प्लस 331 बाय 121, जिसको कैंसिल करने के बाद आपको फाइनल प्रिंसिपल मिलेगा 6217.13 रुपीज, यानी कि 6217 रुपया 13 पैसा आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी कॉन्सेप्ट है जिसकी हेल्प से आप बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका कॉन्सेप्ट है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर, कोई भी प्रिंसिपल चक्रवृद्धि ब्याज पर CI पर टी वर्षों में एन टाइम्स हो जाता है, टी वर्षों में एन गुना हो जाता है, है ना, टी ईयर में क्या हो जाता है एन टाइम्स हो जाता है। तो उस धन पर, यानी कि उस प्रिंसिपल पर एन टू द पावर एम गुना होने में, यानी कि उस प्रिंसिपल पर एन टू द पावर एम गुना होने में, टाइम्स होने में लगा समय, लगा टाइम आपको होगा एम इंटू टी ईयर्स, एम इंटू टी वर्स। एग्जाम्पल है
कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में दोगुना हो जाता है, है ना। कोई प्रिंसिपल क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट पे 4 ईयर में 2 टाइम्स हो जाता है, तो कितने वर्षों में वह धन अपना 8 गुना हो जाएगा, यानी 2 गुना होता है स्टूडेंट्स, 2 गुना होता है 4 ईयर में, तो पूछ रहे 8 गुना कितने ईयर में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2^3 कोई हम लोग n^m बोलते हैं, यानी कि n^m गुना होने में क्या समय लगेगा, m×t। तो अब देखिए आपका 2^3 को लिखेंगे n^m, यानी n का वैल्यू 2, m का वैल्यू 3, तो m का वैल्यू आपका 3 हो गया, तो अभीष्ट समय रिक्वायर्ड टाइम क्या होगा, m×3, यानी कि 3×4, यानी 12 ईयर्स आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि स्ट्रिक के हेल्प से कितना ईजी वे में आंसर आ रहा है, विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। सो ट्रिक को आप नोट कर लें कॉपी पर और इसे लगातार अप्लाई करें क्वेश्चन बनाते वक्त। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेंदी क्वेश्चन को विद इन टाइम और सेकंड्स में बनाने में आपका हेल्प करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पीटी और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन है, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि बोल रहा है यदि कोई मूलधन पी चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर से, यानी कि बोल रहा है इफ एनी प्रिंसिपल पी है ना कंपाउंड इंटरेस्ट का एक सर्टेन रेट से एन ईयर में एक्स रुपया और 2n ईयर में वाई रुपया हो जाए, तो है ना एन ईयर में कितना हो जाएगा एक्स रुपया और 2n ईयर में क्या हो जाएगा वाई रुपया हो जाए, तो मूलधन पी का वैल्यू होता है स्टूडेंट्स x²/y। मूलधन पी का वैल्यू क्या होता है x²/y। आइए इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं एक एग्जाम्पल के हेल्प से। बोल रहा है यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष बाद 3,000 रुपया तथा 3 वर्ष बाद 3,200 रुपया हो जाता हो, वह धन ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर एक सर्टेन रेट से 2 ईयर में एक धन 3,000 रुपया, 3 ईयर्स और 3 ईयर के बाद 32 रुपीज़ हो जाता है, तो प्रिंसिपल बताइए। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या फॉर्मूला बताए हैं, p=x²/y है ना। तो यहाँ पर x कितना है 3,000 रुपया, यानी 3,000 का स्क्वायर बाय वाई यानी कि 3,200, यानी 3,000 का स्क्वायर 3,000×3,000 बाय 3,200। जब इसको सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा 2,812.50 रुपीज़, यानी 2,812.50। तो आप देख पा रहे हैं कि ये कितना सिंपल और इजी वे में बन गया, इसी को अगर फार्मूला लगा के बनाइएगा स्टूडेंट्स तो आप यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा लेंदी बनेगा, इतना ज़्यादा लेंदी कि आपका पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा, एग्जामिनेशन में आप मैक्सिमम स्कोर कतई नहीं कर पाइएगा। नेक्स्ट ट्रिक है स्टूडेंट्स आज का टाइप 19 होगा, ये सेशन 4 है, सेशन 1, 2, 3 ट्रिक का जो सेशन है 1, 2, 3 लास्ट, उसे भी आप लोग ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। है किसी मूलधन पी पर r% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का ब्याज होगा। बोल रहा है सर्टेन प्रिंसिपल पी पर r% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट से 2 ईयर का CI होगा। स्टूडेंट्स 2 ईयर का CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा p×2r+r²/100/100। स्टूडेंट्स फिर से बोल रहा हूँ ध्यान से समझिएगा, CI होगा 2 ईयर्स का p×p×2r+r²/100/100। ये आपका CI निकालने का फॉर्मूला हो गया। आइए इस एक एग्जांपल के हेल्प से समझ लेते हैं इस ट्रिक को। 5,000 रुपया का 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 5,000 रुपया प्रिंसिपल है का 10% का रेट से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज स्टूडेंट्स क्या होगा, तो डायरेक्ट आइए इसको फॉर्मूला पर सेट कर लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला हो जाएगा p×2r+r²/100/100। तो पी का वैल्यू दिया हुआ है 5,000 पुट कर दीजिए, 2×r का वैल्यू है 10, तो 2×10 लिखिए, प्लस r² यानी 10×10/100, अब बाय टोटल के नीचे लिखिए 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट तो 5,000×2×10+10×10/100 को सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 21/100, 0,0 कैंसिल हो जाएगा यानी 50×21 1050 आएगा, तो 1050 स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी बैंक, पीओ, एसएससी, रेलवे, हर एक एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है। स्टेज वन में रेलवे में भी आने का पूरा चांस है। तो ओवरऑल इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा उसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। आपको शुरुआत का जो कुछ लेक्चर मिलेगा उसमें हम लोग फार्मूला और कॉन्सेप्ट पे प्रॉपर बात किए हैं कि कैसे इसको बनाना चाहिए, लेंदी वे में और प्लस ट्रिकी वे में, दोनों पे बात कर रहा हूँ। एग्जामिनेशन में कैसे बनाना है, कॉन्सेप्चुअली कैसे बनाना है, दोनों कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे कुछ न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू ट्रिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। कीप प्रैक्टिस, स्टे एट होम and be safe students.